श्री राम समर्थ दिसंबर 28। वैदिक कर्म के साथ भगवान का नाम लेना चाहिए। आप वेद विद्या जानने वाले सब लोग बड़े विद्वान, ज्ञानी, भाग्यवान और पूज्य हैं। इतने वर्षों तक आपने वेद विद्या को सुरक्षित रखा, यह आपका बहुत बड़ा उपकार है। आपकी योग्यता सचमुच बड़ी है और इससे उल्टी मेरी स्थिति है। मैं एक अज्ञ मनुष्य हूँ, मुझे वेद विद्या की गंध भी नहीं है, मुझे ग्रंथों का ज्ञान नहीं है। मैं राम का एक दीन दास हूँ, उसके नाम से मुझे प्रेम है। मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरा कहना अब सब लोग प्रेम से सुन ले। वेदों ने गायत्री को अत्यंत पूज्य माना है और यह ठीक भी है, क्योंकि गायत्री की उपासना में अद्भुत सामर्थ्य समाई हुई है। गायत्री उपासना करने वाले मनुष्य के व्यक्तित्व में सच्चा वैराग्य और उत्तम पावित्र्य आवश्यक होता है। पूर्व काल के ऋषि जनपद से दूर अरण्य में आश्रम बनाकर रहा करते थे। कंदमूल उनका आहार होता था, इंद्रिय संयम उनका मुख्य आचार था, सत्य ही उनकी वाणी का भूषण था। तो काम, क्रोध और लोभ को जीतने वाले वे विरागी ऋषि गायत्री की उपासना करने के लिए योग्य व्यक्ति थे। किंतु अब समय में परिवर्तन हुआ है। जिस प्रकार का जीवन वे ऋषि लोग जिया करते थे, उसमें से अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। ऋषियों का रहन सहन, खाना पीना, इंद्रिय संयम, सत्य निष्ठा, इनमें से हमारे पास क्या कुछ है? उस समय ऋषि पर्जन्य सूक्त कहते थे तो वर्षा होती थी, और वही सूक्त आज कहते हैं तो मामूली हवा भी नहीं चलती। ऋषियों के व्यक्तित्व में तपस्या की सामर्थ्य थी, इसलिए उनके आशीर्वाद का जैसा मोर था, वैसे उनके शाप का भी था। जीवन के प्रति पहले जो निष्ठा थी, वह आज बदल गई है। आजकल परिस्थिति ऐसी है कि वैदिक कर्मों के बारे में पहले जैसी श्रद्धा थी, वैसी आज नहीं है, और वैदिक कर्म विधिवत होना बहुत कठिन हो गया है। तो ऐसे समय जितना हमसे बने वैदिक कर्म करें, किंतु चित्त शुद्धि होने के लिए केवल उसी पर पूर्णतः निर्भर न रहकर उस कर्म के साथ साथ भगवान का नाम ले, यही मेरा कहना है। विद्यमान स्थिति में संयम के बंधन शिथिल हो रहे हैं, कहीं कहीं तो संयम के बंधन टूट रहे हैं। इसलिए संतों ने आकुलता से कहा है, भगवान का नाम लो। नाम कोई आगंतुक नहीं है। आदि नारायण ने वेद कहते समय जो ओम ध्वनि का उच्चार किया, वही नाम है। इसलिए आप सबको विनती है कि आप नित्य नाम लेते रहें। प्रत्युत नाम लेते रहे, तभी वेदों का सही सच्चा अर्थ समझेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आज का मुख्य विचार, वैदिक कर्मों के लिए आहार विहार के बंधन हैं, भगवान के नाम के लिए वे नहीं है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।